हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट। ए बी सी इक्वल पार्टनर है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व एंड अपॉइंट बी टू रियलाइज द असेट्स एंड पे लायबिलिटी। उन्होंने डिसोल्यूशन का डिसीजन ले लिया और बी को अपॉइंट कर लिया असेट्स को रियलाइज करने के लिए और लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। ही इज़ टू गेट 5% कमीशन ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर एज कैपिटल। इस वाले क्वेश्चन में आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, वरना ये क्वेश्चन कराने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इस लाइन की वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा। इस लाइन में क्या कहा गया है कि उसको 5% कमीशन देना है, अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर एज कैपिटल। अदर पार्टनर को आप कैपिटल के रूप में, यानी जैसे जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो अदर पार्टनर को जो पेमेंट करते हैं उस पर इसको 5% कमीशन मिलेगा। ही वॉज ऑल्सो टू बियर द एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन। वो रिलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी बियर करता है। एक चीज़ वो याद रखना, पार्टनर कभी भी अगर रिलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते। फॉलोइंग बात बैलेंस शीट, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। नेक्स्ट देखिए एडजस्टमेंट। फर्स्ट कह रहा है कि बीआर से रिलाइज हुआ है तो एंट्री किस साइड हो जाएगी आपकी, क्रेडिट साइड। डेटर आपके ऑल गुड हैं, सारे के सारे अमाउंट रिसीव हो गया तो एंट्री क्रेडिट साइड। पेटेंट से भी रिसीव हुआ है, स्टॉक से भी रिसीव हुआ है। नेक्स्ट, ए इज अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस इन ओल्ड फॉर्म नेम। ए कैरी करने के लिए रेडी हो गया बिजनेस, फॉर दिस ही टेक ओवर गुडविल, उसने गुडविल को टेक ओवर कर लिया तो एंट्री किस साइड हो जाएगी आपकी, क्रेडिट साइड। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितने की, 30,000 की, तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इतने की। ए कमीशन 2% पेड, ए उस पर 2% कमीशन पे करेगा और कमीशन पेमेंट की एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड। ₹3,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, किसी कस्टमर से 3,000 रिसीव हो रहे हैं और उसका अकाउंट हमने बैड डेट्स में डाला था लास्ट ईयर, तो रिसीव हुआ तो एंट्री क्रेडिट साइड। एक बिल है 5,000 का, डिसऑनर हो गया, वो भी पे करना पड़ेगा तो पेमेंट होगी तो एंट्री डेबिट साइड, ठीक है। रिलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, वह तो एक्सपेंसेस की पेमेंट किस साइड होती है, डेबिट साइड, लेकिन अब इसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनर इसको खुद बियर कर रहे हैं। सी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओनली 20 पैसा पर रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। सी इंसॉल्वेंट हो गया और उससे केवल हमें कितना पैसा मिला है, 25 पैसा, तो ये वाली एंट्री तो लास्ट टाइम हमने जैसे की थी वैसे ये वाली एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम जो रिलाइजेशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल में थोड़ा सा चेंज होगा, तो उस चेंज के कारण हमने ये क्वेश्चन कराया है, तो वो चेंज हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वही हमें एसेट्स को ट्रांसफ़र करना होगा, और किसको ट्रांसफ़र करना होगा, लाइबिलिटीज़ को। तो असेट्स में आपकी क्या क्या आएंगी, सबसे पहले डेटर्स आ जाएंगे आपके, फिर बीआर आ जाएगा, प्रोविज़न क्रेडिट साइड चला जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, पेटेंट्स आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट गुडविल। क्रेडिट साइड, क्रेडिटर मिसिज ए का लोन, एम्प्लॉय सेविंग फंड आ जाएगा क्रेडिट साइड, और रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट भी आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पहले ट्रांसफ़र कर दिया है, ये ट्रांसफ़र किस लिए कर दिया, इससे थोड़ा सा वीडियो आपकी काफ़ी लेंदी बन जाती है, तो ये मैंने बार बार कराया, आपको बता दिए कि सिंपल सा है, सारी असेट्स किस साइड ट्रांसफ़र होगी, डेबिट साइड, और सारी लाइबिलिटी किस साइड ट्रांसफ़र होगी, क्रेडिट साइड। जब मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराए तब तो मैंने आपको सारे एक एक आइटम ट्रांसफ़र करके दिखाया था, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने पहले क्वेश्चन को कर दिया है कि सबसे पहले सारे असेट ट्रांसफ़र कर दी और फिर मैंने क्या कर दिया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट भी मैंने यहाँ पे कर दी है, सिंपल था, मैंने आपको बताया था। देखो उन्होंने बोला हुआ है बीआर पर डिस्काउंट है, 5% रिसीव हो जाएगा क्रेडिट साइड, डेटर सारे मिल जाएंगे हमें, पेटेंट से रिलाइज हो रहा है नहीं वसूल हो रहा है, स्टॉक से सेल कर दिया, तो ये सारी एंट्री आपकी किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड बाय बैंक में बीआर जितने का था, 5,000 का था, 5% डिस्काउंट माइनस करके लिख दिया। डेटर सारे के सारे रिसीव हो गए 30,000, पेटेंट्स का अमाउंट इन्होंने दिया हुआ था और स्टॉक का अमाउंट भी उन्होंने दिया हुआ है, तो ये अमाउंट हमें मिल गया। तो यहाँ हम इसका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना आता है हमारा, तो टोटल हमारा आएगा देखिए 89600, टोटल कितना आएगा आपका 89600,
अभी तो केवल ये एक एंट्री हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। ए अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस, ए ने बिजनेस को कैरी किया, उसने गुडविल को टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर किया तो एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में गुडविल, कितने की गुडविल लेगा वो 10,000 की, ठीक है 10,000 की गुडविल ले लेगा। उसके बाद देखिए और एडजस्टमेंट हमारे देखते हैं हम, थर्ड एडजस्टमेंट मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितने की है 30 की और उस पर 2% कमीशन पे करना है ब्रोकर को उसकी सेल पर, तो कमीशन पे कर देंगे 2%, पेमेंट कर दो डेबिट साइड टू बैंक 2% कमीशन। तो कितना था आपका इन्वेस्टमेंट 30 की, 30 का 2% कितना आ जाएगा 1500, क्लियर है। नेक्स्ट 3000 रिसीव हुआ एक कस्टमर से, रिसीव हुआ तो एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट रिसीव, कितना रिसीव हुआ है आपको 3000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3000 ये रिसीव हो गया। उसके बाद एक बिल है 5000 का, वो पे करना है, पेमेंट कर दो, एक्सपेंसेस की एंट्री करनी नहीं और इंस्टॉलमेंट वाली हमारी बाद में होगी, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में बिल, कितने का बिल है 5000 का। उसके बाद एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, इसमें क्रेडिटर की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, मिसेज ए के लोन की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, एम्प्लॉय सेविंग की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, कुछ भी नहीं कह रखा, तब भी इनको पूरा पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, तो किस किस की पेमेंट, एक तो हमारे हैं क्रेडिटर, कितने के हैं क्रेडिटर 20,000, मिसेज ए लोन, मिसेज ए का लोन है 50, उसके बाद एम्प्लॉय का अमाउंट कितना है आपका 13, प्लस कर लेंगे 83,000, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल, टोटल हमारा देखेंगे तो ये हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आएगी और क्रेडिट कम, तो डिफरेंस क्या लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर है हमारे, ए बी सी, टोटल अभी देखते हैं हम कितना आता है। देखिए थोड़ा सा ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, यहाँ पर, यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना था 30,000, देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की 30, उस पर 2% कमीशन दे रहा था और उसकी सेल पर ब्रोकर को, तो 30,000 है, 30,000 का 2% कितना होगा 600 होगा, वो मैंने गलती से 1500 कर दिया। और एक इसकी एंट्री और रह गई, क्योंकि इसको भी हम सेल करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो एंट्री किस साइड होगी आपकी, क्रेडिट साइड। जल्दी जल्दी हम थोड़ा ध्यान नहीं रहा, डायरेक्ट कमीशन ले लिया, तो सिंपल था 30,000 की सेल होगी, इस पर 2% कमीशन हमारा कितना आएगा 600, तो 600 के बाद अब हम इनका टोटल चेक करेंगे, टोटल कितना आता है, ये हो गया 35, 38, 6, 80, 38, 6, 80, 12,000, 5,000, 600 और 83,000। तो ये आपका हो गया 2,596,00, 2,596,00। इसके टोटल में से इन सबको क्या कर देंगे माइनस, तो ये माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 42,000, ठीक है। अब देखिए जो आपके पार्टनर थे ए बी सी, वो इक्वल पार्टनर थे, तीन से डिवाइड कर दो 14, 14, 14, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट तो आपका जैसा बनता है वैसा ही बनेगा। अब बात आती है हमारी पार्टनर
कैपिटल अकाउंट के। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सेम वैसे भी थोड़ा सा चेंज होगा, ए बी और सी, इधर भी ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले क्या ले लेंगे, बाय बैलेंस बी डी। सबसे पहले अपना सिंपल लेना है बाय बैलेंस बी डी। तो कितना कितना है बैलेंस, ए बी का 65,600, 4,400, और सी का डेबिट में है तो डेबिट साइड ले लेंगे। तो ये है 65,600, 4,400, ठीक है। इसका डेबिट टू बैलेंस बी डी किसका, सी का, सी का हमारा हो गया 36। उसके बाद देखो पार्टनर में कहीं भी डेबिट में है पार्टनर नहीं है, क्रेडिट में ए था क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड वही क्रॉस ट्रांसफ़र। कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन, कितने का अमाउंट है 10,000। ए बी सी तीनों टू किस साइड हो जाएगा, रियलाइजेशन 14, 14 और 14, ठीक है। रिज़र्व और दिया हुआ है 30 का, तो रिज़र्व की एंट्री किस साइड हो जाएगी आपकी, क्रेडिट साइड बाय रिज़र्व, इक्वल है 30, तो 10, 10 और हमारा 10, ठीक है। सबसे पहले तो वही हम जैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि गार्नर वर्सेस म्यूरे का रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा हुआ गार्नर वर्सेस म्यूरे का रूल फॉलो। अगर गार्नर वर्सेस म्यूरे का रूल फॉलो होता तो क्या करते, जो अदर पार्टनर है वो रियलाइजेशन का लॉस कैश लेकर आते, यानी यहाँ एंट्री कर देते बाय बैंक और 14 और 14। लेकिन यहाँ कहीं भी गार्नर वर्सेस म्यूरे का रूल फॉलो नहीं है। टोटल कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 50, इधर भी 50। उससे पहले बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक क्यों लिखेंगे, क्योंकि सी अगर आपका इंस्टॉलमेंट हुआ है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट आपका कैश लेकर आया होगा। 50 में से 10 माइनस किया हमने, कितना कर दिया 40, 40,000 का कितना परसेंट, 25%, यानी 10,000 वो कैश लेकर आया है, ठीक है, यानी इतना परसेंट वो कैश लाया है। अब इसकी डेफिशिएंसी देखेंगे, 50 में से 20 माइनस किया, इधर वर्किंग नोट में कर लेंगे नीचे भाई, वर्किंग नोट किसकी डेफिशिएंसी है, सी की। 50 में से हमने 20 माइनस किया, यानी सी की डेफिशिएंसी कितनी है 30, और उसे कौन बियर करेंगे, अदर पार्टनर, और किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में।